तो दोस्तों नाम है मेरा, मानस टाइटल आपने देख लिया होगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोको X4 Pro 5G की स्पेक्स की, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है इस फोन में। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको LPDDR4X वाली रैम टाइप और UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं अब इसके कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाली है। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलने वाले, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी होने वाला है जो कि अच्छी बात है, और यहाँ पे 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वेट और थिकनेस की बात करें तो ये इस फोन का वेट होने वाला है 205 ग्राम और थिकनेस होने वाली है 8.2 mm की। तो ये है स्पेक्स पोको X4 Pro 5G की। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये तीन वेरिएंट साथ आता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग रखी गई है इंडिया में 18999। बात करें 6GB रैम 128GB स्टोरेज की, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है इंडिया में 19999। और एक टॉप वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, इसकी प्राइसिंग रखी गई है इंडिया में 21999। तो ये है इसकी प्राइसिंग, और साथ में यहाँ पे आपको एक ऑफर भी देखने को मिल रहा है, अगर आपके पास HDFC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, वो है मेरा ओपिनियन, तो मुझे कैसा लगा ये स्मार्टफोन और आप लोग को लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है मुझे सही लगा, पर कुछ कमियां लगी, जैसे कि यहाँ पे आपको UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप मिल रही है, जहाँ पे आपको पोको X3 Pro में आपको वहाँ पे UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप मिल रही थी, तो यहाँ डाउनग्रेड किया गया है जो कि अच्छी चीज़ नहीं लगी मुझे। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के जो दो सेंसर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। साथ में ये जो फ़ोन ये एंड्रॉयड 11 पे आउट ऑफ द बॉक्स रन करने वाला है, जो कि एंड्रॉयड 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स रन करना चाहिए था, ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और साथ में मुझे एक चीज़ और कमी लगी कि यहाँ पे इनको 64GB रैम के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, सीधे 128GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये है मेरा ओपिनियन कि मुझे कैसा लगा ये स्मार्टफोन। अब बात करते हैं कि आप लोग को ये जो स्मार्टफोन है ये लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि 20,000 रुपीज़ के अंदर आपको 5G प्रोसेसर मिल रहा है जो कि अच्छा प्रोसेसर है, प्लस आपको यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रही है, बाकी जो स्पेक्स है वो भी सही है। तो मेरे हिसाब से फ़ोन सही है, और आप मेरी सलाह ये रहेगी आप 6GB रैम 128GB जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है उसके साथ जाइए, ना कि 64GB वाले स्टोरेज के साथ, क्योंकि आजकल जो फ़ोन है उसमें जो 64GB स्टोरेज है वो कब ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता। तो आप 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है उसके साथ जाइएगा। तो ये है मेरा ओपिनियन पोको X4 Pro 5G के बारे में, बाकी आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।